हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमंत कुमार सिंह, हेमंत कुमार सिंह ब्लॉग। आप सभी लोग मेरे चैनल पर बने रहें और मैं एक से एक वीडियो बनाकर खोलूँगा। और ये मैं चल रहा हूँ अभी जो चंद्रधारी संग्रहालय है, चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा, उसका मैं आपको पूर्ण रूप से दिखाऊँगा, आपको छवाऊँगा कहाँ पे क्या है नहीं है। और मैं अभी घुस रहा हूँ अंदर और ये मैं चल रहा हूँ अंदर की ओर। और मैं अभी मेरे साथ और एक भाई है जो सौरभ है। सौरभ, चलिए अंदर देखते हैं क्या क्या हो, मतलब है इसमें। और ये फिर दिखाते हैं कि क्या क्या है। और ये मैं मेन गेट पे हूँ। आप लोग आते हैं कार उड़ से तो आप इस साइड में, जो मेरे बामा साइड में, उस साइड में आप कार लगा सकते हैं, कार मोटरसाइकिल पार्किंग कर सकते हैं। और कार वहाँ पे अपना कार लगा हुआ पार्क। और ये मेरा अपना कार यहाँ पे लगा हुआ है। और ये देखिए, ये भाई लोग आ रहे हैं और कार लेके घुसे हैं। और इसके बाद हम लोग चलेंगे, चलिए। और हम लोग अभी चलेंगे एकदम इस ग्राउंड में। और ये ग्राउंड देखिए, पूर्ण रूप से ये जिसके बगल में पेड़ पौधा के लगाया गया है, और सारे लोग इसमें भी घूमते हैं। उसके बाद अब मेन गेट पे ले चलेंगे। हेलो, और हम अभी चल रहे हैं अंदर में। इस चारों बगल आप लोग घूम सकते हैं कहीं भी आके। यहाँ धूप सेक सकते हैं, धूप है नहीं लेकिन सेक सकते हैं। नहीं, लेकिन धूप रहता है, आज नहीं है। और मैं अभी चल रहा हूँ गेट के पास, जहाँ पे आप अंदर जाके यहाँ पे जो मिथिला पेंटिंग और पुराने राजा के कपड़े हैं, सिंह के दांत हैं और ये हाथी के दांत हैं, बहुत कुछ है जो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाना मना है। इसलिए हम बाहर के सीन दिखाएंगे आपको। और मैं चल रहा हूँ और मेरे साथ ये देखिए सौरभ जी भी हैं। ये हम दोनों आदमी चल रहे हैं और ये बताएंगे पूरा इस जगह की माहौल के बारे में कि कैसी वातावरण है, यहाँ का अच्छी है ख़राब, वो भी बताएंगे साथ साथ। और हम आपको दिखाएंगे मेन गेट जो चंद्रधारी सिंह संग्रहालय का अंदर का सीन है, वो हम तो नहीं दिखाएंगे क्योंकि मना किया गया, लेकिन आप लोग आइएगा तो यहीं से एंट्री कीजिएगा। यही है चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा, जहाँ पे एंट्री करके अंदर में आप बहुत प्रकार के जीव जंतु का फोटो, राजा के कपड़े उपड़े देख सकते हैं। और यहाँ पे मिथिला पेंटिंग होगी, ये सारे कुछ अंदर दर्शनीय होती है सब। 20th century, 21st century और 19th century का भी कुछ कुछ यहाँ पर है। आपको हम दिखा पर अभी नहीं पाएंगे क्योंकि अंदर में वीडियो बनाना मना है, लेकिन आपको हम प्रयास करेंगे कि दिखा पाए, जितना हमसे हो पाएगा हम दिखाने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं अंदर। अंदर तो नहीं जाएंगे हम लोग, बाहर के हिंदू चलो अभी बाहर। और यहाँ से अंदर आप लोग जा सकते हैं, आप पूरा मज़ा ले सकते हैं। अगर मैं अभी दिखा दूंगा तो आप लोग आने का मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ। बाकी अगल बगल के सीन दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए पार्किंग है, यहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। और यहाँ पे आप ड्राइव भी कर सकते हैं, जैसे आपको अगर यहाँ पोखर है उस बगल में दरभंगा वाटर स्पॉट द्वारा दरभंगा है, जहाँ पे 50 रुपये और 100 रुपये की टिकट होती है, उस पर जाके बैठ के आप लोग पानी की भी मस्ती कर सकते हैं। और ये जगह जगह पर लगाया गया है। और यहाँ पे पुलिस के लिए भी मतलब साधन है, जहाँ गार्डिंग करने के लिए पुलिस होना चाहिए। बैरक है पूरा गांव और यहाँ पूरा है। और अभी हम चलेंगे थोड़ा आगे आगे को सर। हेलो, और अभी हम चलेंगे इसके बैक में, जहाँ पोखर है, पोखर के नज़दीक में ये कुछ मूर्तियाँ हैं, जहाँ पे सीता जी का जन्म हुआ था, वो भी दिखाएंगे हम आपको। और ऋषि मुनि का भी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। उसके बाद हम दिखाएंगे आपको सामा चकेवा झिझिया जो खेलते हैं, उत्सव का पंचायत जहाँ होता है, पंचायत किस टाइप से होती थी पूरा, वो भी दिखाएंगे। और अभी हम चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ये पोखर है, इन्हीं आदमी को जो बोर्ड टिकट काउंटर है, टिकट लेके कट सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब चलता है यहाँ पे, काट के आप लोग देखिए जाके घूम सकते हैं, ड्राइव का मज़ा ले सकते हैं। और अभी हम चल रहे हैं। सौरभ, अभी हम लोग सबसे पहला प्रतिभा कौन चीज़ का है यहाँ पे, प्रतिमा दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। और ये देखिए सही लोग मस्ती करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। हाँ, और ये देखिए डॉक
ये देखिए ये मिथिला के प्रथम शासक दशरथ राजा नान्यदेव अपने राजा नान्यदेव मिथिला के जो प्रथम शासक हुए वो यही है। उसके बाद देन उसके बाद आगे हम और भी स्टैचू देखते हैं। ये हुए राजा काशेश्वर ठाकुर सुरोज ठाकुर राजसत्ता प्राप्त करते हुए जो इनको राजसत्ता की प्राप्ति हुई थी तुगलक राजा से प्राप्त हुई थी जिनका नाम फिरोज है कामेश्वर ठाकुर फिरोज शाह तुगलक राजसत्ता प्राप्त करते हुए और इनके बाजू में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू और इस साइड सौरभ हेलो और ये देखो सौरभ ये जो आपको पता होगा माँ जानकी का जो जन्म हुआ था राजा दशरथ नहीं मिथिला के जनक जी राजा जनक जी जनक जी थे यार जनक जी थे जो सीता जी के ये मतलब कि खेत हल चलाते हुए इनको मिला था सीता जी का एक घरा में। और ये देखिए साधु जी हैं विश्वामित्र होंगे हमको लगता है और ये बैल है बैल चलाते हुए जनक जी है डाक और ये विश्वामित्र हो सकता है हम लोग गलती हो गया होगा इसलिए क्षमा मांगते हैं हम लोग उससे। और ये देखिए ब्रह्मदेवी सुलभा राजा जनक के साथ दर्शन शास्त्र विद्या में ब्रह्मा विद्या ने सिल्वा का साथ साथ हुआ था उन्होंने अपने ज्ञान और प्रखर बुद्धि से राजा जनक की हद प्रभ कर दी थी। और ये नेक्स्ट है आपका ये देखिए अहिल्या उदर ये आपको तो पता होगा रामायण का कहानी गौतम ऋषि की पत्नी थी विवेकानंद के अनुसार शपथग्रस्त होने के कारण अहिल्या को गौतम ऋषि के द्वारा श्राप मिला हुआ था। उसके बाद राम जी आए इनके स्पष्ट से ही इनका अपना जो ओरिजिनल रूप है वो उसमें आ गई थी तो यही उनका स्टैचू के माध्यम से दिखाया गया है आपको कैसे राम जी इनको टच किए और ये फिर अपना जो दिव्य रूप है उस पर प्रकट होते हैं। यह है ब्रह्म ज्ञानी मैत्री थी और ये महासती अनसुईया और ये खाली जगह है जहाँ पे हम लोग जाके फोटो खिंचा सकते हैं आप लोग खिंचा सकते हैं। और ये देखिए पूरा तरह से बोर्डिंग हो रही है हर एक लोग अपना पैसा उड़ा रहे हैं और ये महादेव गगरी है बस। और ये खाली जगह है यहाँ पे कुछ और हुआ करता था लेकिन इस बार खाली है शायद मूर्ति वहाँ का टूट चुका है उसके वजह से खाली जगह है। और हम चलेंगे अब नेक्स्ट और ये देखो और ये मंडल मिश्र की धर्म पत्नी भारती जगत गुरु शंकराचार्य से शास्त्र करते हुए। और ये हम एक बार और दिखाएंगे आपको बोटिंग करते हुए प्रणाम पे देखिए बोटिंग बहुत हो रही है और और ये देखिए तेली नाम गोनुजा बहुत सारे किस्से प्रचलित हैं और ये किस्से एक से एक है गोनुजा का राजा शिव सिंह के दरबार के अनमोल रत्न गोनुजा बीरबल और तेनाली राम के समतुल्य थे और मिथिला कौटिल्य विद्यापति अपने सेवक ऊना के साथ है। ऊना जो जानते हैं ये भोला बाबा का रूप है कहा एक संगीत है संगीत याद आ रहा है ये उगना मिथिले में रहूना कहाँ जाए थी ये संगीत काफ़ी फेमस यहाँ का मिथिला का फेमस संगीत है आप एक बार सर्च करके देख सकते हो संगीत। और मैं अभी आगे बढ़ते चला रहा हूँ अब कौन फोन करे और मैं पहुँच गया हूँ फिर नेक्स्ट और ये देखिए मैं जो डॉगी डरा रहा है भगा रहा हम लोग पहुंच चुके हैं और ये जहाँ पहले के जमाने पंचायत जो होती थी वो पंचायत की सुन देखिए आप लोग ये है पंचायती राज सुन हुआ करता था देखिए सौठा सभा या मिथिलांचल क्षेत्र का एक अद्वितीय है यह सुनता और ये कौन है रे ये देखिए राजा सुलेश बाबा होते हैं पूजा होते हैं और मैं भी चलूँगा और आगे झिझिया देख ले और एक और दिखाते हैं हम झिझिया नृत्य
ये जो है मिथिला का एक हेलो और ये झिझिया नेड़ते यहाँ से और ये देखिए ये है झरने नृत्य का दृश्य। इसी टाइप से लोग नृत्य का शोक प्रधान है। इसे समूह में जो है ग्रुप में पुरुषों के द्वारा किया जाता था। इसका संबंध मुसलमान के पर्व मुहर्रम से है। और ये सामा चकेवा मिथिला का ये एक भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है सामा चकेवा। उसके बाद हम एक और दिखाएंगे और ये जट जटिन के हैं। ये तो मिथिला के कौन नहीं जानता होगा इसको, हर एक आदमी जानते हैं जट जटिन और ये सबसे बड़ा फेमस। और हेलो फ्रेंड्स, और हमको लगता है कि आप लोग पूरा देख लिए और बता देना चाहते हैं कि संग्रहालय के तो बाहर ही दृश्य दिखाए हैं, अंदर को नहीं दिखा पाए। जो अंदर में है जो पुराना मतलब क्या क्या है इसमें पुरानी चीज़ें 19वीं सदी की सारी जो चीज़ें यहाँ पे वो भी लाया गया है। मधुबनी से लाया गया है वहाँ पे, मधुबनी के जो वहाँ पे उस टाइम जो राजा थे वो यहाँ पे दिए कि चलो आपके यहाँ पे एक दर्शन के योग्य मतलब दर्शनीय आप यहाँ रहेगा, लोग आप यहाँ देखने आएंगे, ठीक है रख दीजिए ऐसा था। तो वो चीज़ हमने दिखाया, आपको खुद आकर देखना होगा। संग्रहालय घूमिए, मजा लीजिए। बाय, गुड नाइट।